महासागरों का सबसे खूंखार और एपेक्स प्रेडेटर शार्क को कहा जाता है, जिसका भय न सिर्फ समुद्री जीवों बल्कि इंसानों के बीच भी है। दुनिया भर में शार्क की 375 स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें से कुछ अपने विशाल शरीर और नुकीले दांतों के लिए जाने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 बिगेस्ट शार्क इन द वर्ल्ड। नंबर 10, पैसिफिक स्लीपर शार्क। ये शार्क लंबाई में 14 से 22 फीट तक बढ़ सकते हैं, जो पैसिफिक ओशियन के कई किलोमीटर गहरे पानी में पाए जाते हैं, जहां पानी का दबाव काफी अधिक होता है और उस क्षेत्र में जल भी काफी गर्म होती है। और अगर हम बात करें रोशनी की, तो उतने गहरे पानी में 24 घंटों की रात होती है। वैसे क्षेत्रों में पैसिफिक स्लीपर शार्क बहुत ही आसानी से रह पाते हैं और ये काफी शांत होकर ऑक्टोपस से लेकर कई मछलियों का शिकार कर लेते हैं। नंबर 9, शॉर्ट फिन मैको शार्क। इस शार्क को बोनिटो शार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो लंबाई में कुल 14.3 फीट और वजन में करीब 500 किलोग्राम से भी अधिक पाए जाते हैं। इस प्रजाति के शार्क आर्कटिक और सदर्न ओशियन को छोड़कर सभी महासागरों में रहा करते हैं। इस शार्क को वार्म वाटर फिश भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ गर्म पानी में ही रह सकते हैं, जो समुद्र तट से दूर और 490 फीट की गहराई में रहना पसंद करते हैं। इस शार्क का मुख्य आहार छोटे मछलियां, डॉल्फिन और श्वॉर्डफिश जैसे समुद्री जीव होते हैं, जिसे ये अपनी नुकीले दांतों से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इस शार्क की रफ्तार भी काफी इंप्रेसिव मानी जाती है, जो पानी में लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरा करते हैं, और साथ ही ये 30 फीट से भी ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं। कई बार तो ये छलांग लगाकर लोगों के बोट में भी फंस जाते हैं, इसलिए समुद्र के लोग इस शार्क से सुरक्षित नहीं हो सकते, क्योंकि ये अटैक बोट में घुसकर भी कर देते हैं। नंबर 8, ग्रेट हैमरहेड शार्क। इस प्रजाति के शार्क को इसके टी आकार वाले सिर से पहचाना जा सकता है। इसके आंख और नाक सिर के अंतिम छोर में पाए जाते हैं, इसलिए यह हल्का सा भी मुड़कर ये जान लेते हैं कि पीछे कौन सा जीव है। इस शार्क की पीठ ग्रे या ब्लैक कलर की होती है, जबकि इसकी पेट बिल्कुल व्हाइट होती है, और ये लंबाई में करीब 16 से 18 फीट तक बढ़ सकते हैं, हालांकि कुछ 20 फीट तक भी बढ़ सकते हैं। इस शिकारी का मुख्य आहार छोटी मछलियां और अन्य समुद्री जीव होते हैं, और ये शार्क किसी दूसरे जीवों के खून को कई किलोमीटर से सूंघ सकते हैं। हैमरहेड शार्क जब छोटे होते हैं तो ये हमेशा समूह में रहा करते हैं, और बड़ा होते ही ये अकेले शिकार पर निकल जाते हैं। जहां स्टिंग्रे को काफी विषैला माना जाता है, पर हैमरहेड को इसका वेश कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, पर लोगों ने इसका शिकार कर इसे विलुप्त होने के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। नंबर 7, टाइगर शार्क। इस शार्क का नाम इसके पीठ में मौजूद डार्क बैंड के कारण पड़ा है, जो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे गायब हो जाता है। इस प्रजाति के शार्क लंबाई में 18 फीट तक बढ़ सकते हैं, जो ज्यादातर ट्रॉपिकल वाटर या प्रशांत महासागर के बीच में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के शार्क इतने खतरनाक होते हैं, जो समुद्र में मौजूद न सिर्फ जीव बल्कि कुछ भी खा जाया करते हैं। कई बार तो इसके पेट में कार के कुछ टुकड़े पाए गए हैं, और ये सिर्फ काटते ही नहीं बल्कि चीजों को सीधा निगल जाते हैं, यहां तक कि इसके आगे कछुओं के मजबूत शेल भी नहीं टिक पाते। नंबर 6, मेगा माउथ शार्क। इस शार्क का दूसरा नाम वाइड माउथ शार्क भी है, जो लंबाई में करीब 18.04 फीट तक बढ़ सकते हैं, और ये मुंह को करीब 4.2 फीट तक खोल सकते हैं। इस प्रजाति के शार्क को काफी रेयर माना जाता है, जिसे सन 1976 में हवाई में पहली बार देखा गया, और इस शार्क के बारे में लोगों को काफी कम जानकारी ही प्राप्त है, क्योंकि पूरे 45 सालों में इसे सिर्फ 16 बार ही देखा गया है। पर इतना इसके बारे में सभी जानते हैं कि जब ये अपना मुंह खोल समुद्र में तैरा करते हैं, तो झुंड की झुंड मछलियां ये एक बार में निगल जाया करते हैं। नंबर 5, ग्रीनलैंड शार्क। इस प्रकार के शार्क की प्रजाति 16 से लेकर 20 फीट तक लंबे पाए जाते हैं, जो ठंडे पानी में रहना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इसे अक्सर आर्कटिक ओशियन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के आसपास देखा गया है, इसलिए इसे ग्रीनलैंड शार्क कहा जाता है। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लगभग 400 सालों तक जीवित रह सकते हैं। ये शार्क
काफी सांसा जीवन जिया करते हैं। इसकी लंबाई एक साल में मात्र 0.3 इंच तक ही बढ़ती है और ये 150 सालों बाद ही मच्योर हो पाते हैं। इस शार्क को स्लीपिंग शार्क भी कहा जाता है क्योंकि ये काफी आलसी होते हैं और इसे भूख मिटाने के लिए छोटी मछलियां, स्क्विड और वॉलरस जैसे जीवों को खाना पड़ता है। स्लीपिंग शार्क के बारे में एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि इसके आंखों में एक बायोल्यूमिनेसेंट जीव जिसे एलोंगाटा कहा जाता है, ये हमेशा इनकी आंखों से लटकी रहती है और धीरे धीरे इनकी आंखों को खाती रहती है, जिससे ये शार्क अंधे बन जाते हैं। पर क्योंकि एलोंगाटा काफी रोशनी उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस रोशनी की तरफ कई जीव अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं और स्लीपिंग शार्क उन जीवों को बड़े आराम से खा पाती है क्योंकि इसकी सूंघने की क्षमता काफी अच्छी होती है। नंबर 4, ब्लंट नोज सिक्सगिल शार्क। हालांकि इस प्रजाति के शार्क लंबाई में मात्र 16 फीट तक पाए जाते हैं, पर ये वजन में करीब 1 टन तक हो सकते हैं और अब तक के पाए गए ब्लंट नोज में 23 फीट के सबसे बड़े शार्क को भी देखा गया है। ये शार्क गर्म और गहरे पानी में रहना पसंद करते हैं जो 600 फीट गहराई में पाए जाते हैं। इसके नाम के पीछे का कारण ये है कि जहां दूसरे शार्क के 5 गिल्स पाई जाती है, वहीं इसके 6 गिल्स होते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार ये जुरासिक पीरियड से धरती पर पाए जाते हैं। नंबर 3, ग्रेट व्हाइट शार्क। इस शार्क को सभी शार्कों के मुकाबले ज्यादा डरावना और खतरनाक माना जाता है, जो लंबाई में 24.6 फीट तक बढ़ सकते हैं। पर कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने इससे भी बड़े आकार के शार्क को देखा है, पर इसके सबूत किसी के पास भी मौजूद नहीं थे। ग्रेट व्हाइट शार्क की बाइट फोर्स मनुष्यों के बाइट फोर्स के मुकाबले 300 गुनी होती है। इसके दांतों का आकार नुकीले तीर के समान होता है। इसके अलावे ये काफी सेंसिटिव भी होते हैं, जो अपने आसपास होने वाले किसी भी चेंज को तुरंत पहचान जाते हैं और खून का एक बूंद भी इसे कई किलोमीटर दूर से अट्रैक्ट कर लेती है। ग्रेट व्हाइट शार्क का सिर्फ पेट का हिस्सा ही सफेद होता है, बाकी पीठ का हिस्सा हल्का नीला होता है, इसलिए ये समुद्र में कैमोफ्लाज होते हैं। नंबर 2, बास्किंग शार्क। 32.8 फीट वाली ये शार्क दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शार्क मानी जाती है, जो वजन में 7 बड़े गायों के बराबर यानी लगभग 4 टन के होते हैं। बास्किंग शार्क ठंडे पानी में रहते हैं और समुद्री वनस्पति को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये पानी में हमेशा अपना मुंह खोलकर घूमा करते हैं और इसके सिर के चारों ओर गिल्स पाई जाती है ताकि ये आसानी से ऑक्सीजन को फिल्टर कर सके। साथ ही इसके सूंघने की क्षमता भी काफी अधिक होती है। इसके अलावे ये इंसानों से काफी घुल मिल जाते हैं, पर बदले में कुछ इंसान इसका आसानी से शिकार कर लेते हैं। नंबर 1, वेल शार्क। यह शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो लंबाई में करीब 40 फीट तक बढ़ सकती है, और कुछ लोगों के मुताबिक ये 59 फीट तक पाए गए हैं। और वेल शार्क भी गर्म पानी में ही रहा करते हैं, जो पैसिफिक ओशियन में 2290 फीट गहरे पानी में घूमा करते हैं। वेल शार्क के ज्यादातर समूह फिलीपींस आइलैंड के आसपास पाए जाते हैं, जिसकी पेट भले ही पूरी व्हाइट हो, पर इसकी बेक काफी अट्रैक्टिव होती है। वजन में 19 टन होने के कारण ये काफी धीमे गति से तैरा करते हैं। इस प्रजाति का मुंह भी लगभग 4.9 फीट तक खुल सकता है, जिसमें कई मछलियों के समूह आसानी से अंदर आ सकते हैं। तो ये थे धरती में पाए जाने वाले 10 सबसे बड़ी शार्क। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें।